चुप हो जा। क्या ये पेमेंट में लगा रखा? मेरी गाड़ी के पास से हट। अपने बाप की गाड़ी समझ रखी है? इसके बाप ने भी देखी होगी ऐसी गाड़ी। ये भीख मांगने का नया तरीका सोचा है क्या? किसी का गाड़ी के आगे आ जाओ, जब तुम खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अमरेंद्र बाहुबली मैम प्लीज बोलो, मेरा बच्चा मर जाएगा। मरता तो मरे मेरे बला से, ठीक है? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, तमीज नहीं आप में? इसकी सबसे बड़ी गलती है ये पैदा ही होना चाहिए। धरती पे बोझ है, बोझ बोझ, दोनों ही बोझ हो। जवान से नंबर वाला बाप आ रहा है, बाप आ रहा है या कोई पड़ोसी? अरे चुप हो जा, चुप हो जाओ। अरे वो बच्चा चुप हो जा। क्या ये पेमेंट में लगा रखा? मेरी गाड़ी के पास से हट। अरे मैम क्या हो गया आपको? अपने बाप की गाड़ी समझ रखी है? इसके बाप ने भी देखी होगी ऐसी गाड़ी। अरे मैं तो बस बच्चे को चुप करा रही थी। कौन है इसका बाप? अनाथ है? अजय ले। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, बच्चे को दारू पिला के मर जाएगा वो? ये पिला ले मजा। अरे ये रो रहा ये पिला ये वाला चुप हो जाएगा। अरे आपको पता नहीं है दारू सेहत के लिए हानिकारक होता है? ये तो टीवी एड्स में भी आता है, फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ओ हेलो, हमें मत ज्ञान दे, समझ आ गई? तेरा ज्ञान लेने के लिए बैठी है आंटी सी। कुछ काम धंधा तो आता नहीं, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए और कुछ नहीं तो सर दर्द हो गए तेरे पैर पैर इस बच्चे के। ये पिला इसकी बॉडी बन जाएगी, 6 फुट का हो जाएगा, ये मेरी तरह तेरी तरह बोना नहीं रहेगा। इसे पिला इसकी सेहत बन जाएगी, एकदम तंदुरुस्त मेरी तरह होगा, ऐश मौज करेगा। आप ही पियो, मुझे अपने बच्चे को ये चीजें की लत नहीं लगानी। ओ सुन, इससे अच्छा प्रोटीन मिलता है, दूध दूध में तो कुछ नहीं रखा, समझ आ गई? इसको पीकर ही हम इतने अच्छे लेवल पे हैं, तुझे क्या पता साड़ी वाली आंटी? तो बच्चे पीते हैं, ये पिला मर्द बनेगा मर्द। मुझे ना अपने बच्चे को आप दोनों जैसा नहीं बनाना है, मुझे इसको अच्छी परवरिश देनी है, ना कि आप जैसा संस्कार देना। व्हाट डू यू मीन, कौन से संस्कार की बात कर रही है? हमारे तो संस्कार नहीं है, तू तो अच्छे संस्कार देगी इसको। क्या समझ रखा तूने? मेरा और तेरे बच्चे का ना सर फोड़ देंगे अभी। आप खराब कर करके पे 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 और तेरे में दोनों का पे पे खत्म नहीं हो रहा। क्या पे 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 लगा रखा है? ये भीख मांगने का नया तरीका सोचा है क्या? किसी का गाड़ी के आगे आ जाओ, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? और कोई काम धंधा नहीं है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और सर दर्द कर दो हमारा। हां अरे आप दोनों कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। एक तो मेरा बच्चा इतना रो रहा है, इसको पता नहीं क्या। अच्छा रोते रहो, तेरा बच्चे को तो ना खाती। अरे मैं ले 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 पे 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 ये ले ले ले। अरे अरे अमरेंद्र बाहुबली मैम प्लीज बोलो, मेरा बच्चा मर जाएगा। मरता है तो मरे मेरी बला से, ठीक है? मेरा क्या जा रहा है? मैंने पैदा नहीं करा उसको, मेरे बीच में बच्चा भी तो मर जाएगा वो। आज के बाद हमारी गाड़ी के आगे दिख मत जाना। बड़ा दर्द हो रहा है, माता अंदर से वो ममता निकल रही है। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, तमीज नहीं आप में? बिल्कुल नहीं। ओ हेलो, कौन सी तमीज की बात कर रही? तेरे अंदर तमीज है? किसी की भी गाड़ी के आगे आगे अपने बच्चे को रुला रही है, घर द्वार नहीं है तेरा कोई? कौन है इसका बाप? इसकी शक्ल तो हमारे हेडलाइट से भी बेकार है। पता नहीं आप एक छोटे बच्चे को लेकर ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही आप दोनों को? तू कौन सी अच्छी है? मैं नहीं आती। बच्चे को तो छोड़, हम तो तुझे भी बता देंगे बहन जी आंटी सी। ले 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 देख ले, बैग ले अपना बच्चा। कहाँ जा रही है बच्चे को लेकर? मुझे तो शर्म आती है, आप जिनकी औलादे होंगे। ओ हेलो, मेरे माँ बाप पे कुछ उंगली मत उठा, समझे? तेरा मुंह तोड़ दूंगी, वैगन जैसा भरता बना दूंगी तेरा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? हां ये खैरियत है, हमारी इंसानियत है ये, तो तू बच गई। बढ़िया ही, जाने दिखाने लायक नहीं है। चुप हो जा, चुप हो जा, क्या तू बहुत चुप हो जा, एक लात मारूंगी ना उड़ती हुई चली जाएगी अपने बच्चे के साथ ही। मैडम आप लोग प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे डांट लीजिए, मेरे बच्चे को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? गलती है पहली बात तो मेरी सोसाइटी में कुछ, दूसरी बात मेरी गाड़ी के आगे, और तीसरी बात तेरा बच्चा सर दर्द हो गया मेरा। और इसकी सबसे बड़ी गलती है ये पैदा ही नहीं होना चाहिए। धरती में बोझ है, बोझ दोनों ही बोझ हो, सर दर्द की बीमारी। अरे भैया आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा मुझ पे बोझ नहीं है जरा सा भी, इसको इतनी ज्यादा भूख लगी, इतना ज्यादा रो रहा है ये, वो आते ही होंगे अभी दूध लेकर। दूध लेकर आ रहा है, खिला दो। अरे नंबर वाला बाप आ रहा है बाप आ रहा है या कोई पड़ोसी? मैडम कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। कैसी बात करो, ऐसी बात मत करो, सर दर्द कर दिया तूने और तेरे बच्चे ने। पे पे लगा रखी है, हट ले पी ले, भूख लगी ना। अरे 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 मैम, अगला बच्चा तेरा रोएगा भी नहीं अगर ये पिएगी तो। सुन, जो बाहुबली ने पहाड़ उठाया था ना, इसको पीकर उठाया था, तेरा बच्चा पिएगा तो हमारी गाड़ी यूं हवा में उड़ा देगा। ले पिला दे पिला दे। बढ़िया ही, मेरा बच्चा भूखा है, भूख लगी, दूध आता ही होगा, आसमान से टपक के आएगा दूध। चुप हो जाओ, कुत्ते के पीछे ना बे 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 करके दिमाग खराब करते, भगाओ यार, चली जाए यहां से।
आप ले आए दूध की बॉटल? पापा बदतमीजी किए जा रहे हैं आप, इनको जानते हो? बेटा ये यहाँ की ना IAS ऑफिसर है बेटा, और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। इनका क्वार्टर ना हमारी ही सोसाइटी में है। इन्हों का बच्चा रो रहा था मैडम का, तो मैं दूध लेने गया था। सर आप गाड़ी लेकर आओ, मैं आपकी बेटी से थोड़ी बात कर लूँ, दोस्ती भी तो कर लूँ इनसे, इतनी संस्कार है इनके अंदर। जी सर, क्या बोल रही थी तुम मुझे? गवार, हमारी कार पे मैं टच किया होगा तो मुझे धक्के मार के तुम दोनों निकाल दिया, और एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? क्या बिहेव करना है? एक मैं IAS ऑफिसर हूँ, मुझमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। तुम क्या हो, किस चीज़ का घमंड है तुम दोनों को? और तुम्हारे पापा इतने अच्छे बिहेव है उनका, वो इतने अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं एक बेटी की तरह, तुम ऐसी घमंडी हो? ऐसे लड़कों के साथ रहोगी ना तो यही चीज़ें सीखोगी, खुद तो ये पता नहीं क्या ही करता है, तुम्हें भी वही चीज़ें सिखा रहा है। सॉरी मैम, मैं तो स्टडी करती हूँ और ये दोस्त है मेरा। ऐसे दोस्त होते हैं ये? ऐसे नालायक के भी दोस्त होते हैं? इनके जैसे लड़कों के साथ रहोगी ना तो पता नहीं तुम्हारे भी ये मेंटल हेल्थ ना खराब कर देंगे, पता नहीं क्या चीजें करते हैं। तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी, इनफैक्ट मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, और तुम लोग मेरे बच्चे को उछाल रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो। पता नहीं, मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये मेरा दोस्त है अच्छा बस। आइंदा कभी ऐसा करता हुआ देख लिया ना मैं तुम दोनों को, दोनों को अंदर कर दूंगी इसी टाइम पे। तुम्हारे पापा की वजह से बस तुम्हें छोड़ रही हूँ, नहीं तो तुम्हें ना अभी के अभी अंदर कर देती मैं। सॉरी मैम प्लीज, दोबारा से नहीं होगा, पापा को कुछ मत बताना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। Sorry.